हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. टुडे आई विल एक्सप्लेन यूर चैप्टर नंबर 10 अगेन, क्रिया और काल. हम बच्चे इसके बारे में पढ़ चुके हैं. आज मैं थोड़ा सा फिर से डिस्क्राइब करूँगी, ठीक है. इसकी बैक एक्सरसाइज रहती थी, इसलिए हम थोड़ा सा पहले मैं इसकी हिंट बताऊँगी. हमने क्या पढ़ा था, क्रिया क्या होता है. जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बालक पढ़ रहा है क्या है, एक क्रिया है, ठीक है. वो काम कर रहा है, इससे पता चलता है, तो हम इसके क्या कहेंगे, क्रिया, ठीक है. नेक्स्ट है काल. काल क्या है, क्रिया के घटित होने का समय क्रिया का क्या काल कहलाता है. घटित होने का समय जो मतलब कि जो समय है, चाहे वो बीत गया है, आगे आने वाला है, जो भी जो चल रहा है, उसको क्या कहेंगे, काल कहलाता है, ठीक है. जैसे कि काल कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल. भूतकाल में क्या आएगा, बीता हुआ समय. हम जैसे पास्ट की बात कर रहे हैं भी, उसके बारे में भूतकाल कहेंगे. भविष्यकाल जो आगे आने वाला है, ठीक है. वर्तमान अभी चल रहा है समय, उसको कहते हैं, ठीक है बच्चे. हमने पहले इसमें पढ़ा था, ठीक है. नाउ असाइनमेंट 14, चित्र में विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं. चित्र देख के लिखिए कि कौन क्या कर रहा है. अब बुक में बच्चे आपने देखा होगा ये चित्र बनी हुई है, ठीक है. इसको हमने मैंने असाइनमेंट में एक्सप्लेन किया है कैसे. देखो, राधिका, राधिका डैश, इसमें कुछ नहीं लिखा. हमने कैसे कंप्लीट किया, राधिका रस्सी कूद रही है, ठीक है. नेक्स्ट है चिड़िया, चिड़िया उड़ रही है. आगे है बालक, बालक दौड़ रहा है. आगे है बूढ़ा माली, पौधों को पानी दे रहा है. इसके नीचे ही लिखा हुआ है. अब इन वाक्यों में आई क्रियाएं लिखिए, और इन वाक्यों में आई क्रियाएं कौन सी हैं, कूदना. अब देखो, राधिका रस्सी कूद रही है, कूदना क्या हुआ, ठीक है, क्रिया हुई. आगे चिड़िया उड़ रही है, अब उड़ना क्या हुआ, क्रिया हुई. वैसे बालक दौड़ रहा है, अब दौड़ना क्या हुआ, एक क्रिया हुई. बूढ़ा माली पौधों को पानी दे रहा है क्या हुआ, क्रिया, जिसे हमें पता चल रहा है कि उसको पानी दे रहा है. आगे है उदाहरण के अनुसार शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए. आ देखो, उदाहरण के, अब बच्चे देखो लिखा हुआ है आँखें देख, इन्हें लिखा देखना, ठीक है. हम देखने का क्या बनाएंगे, आँखें देखती हैं. इससे क्या पता चलता है, हमारी आंखों के देखने का पता चलता है. देखती हैं, हम आंखों से देखते हैं ना, इसलिए हमने लिखा आंखें देखती हैं. आगे है कान का बना हुआ है, ठीक है. कान से हम सुनना, कान से हम सुनते हैं, ये तो पता ही है. आगे है जीभ, हम इसको लिखेंगे स्वाद, हम स्वाद का पता लगा सकते हैं ना. जीभ से हम खाने के स्वाद का पता लगता है, ठीक है. हमें खाने का स्वाद पता चलता है ना, खट्टा या मीठा, इसी से पता लगता है ना जीभ की टेस्ट. आगे है नेक्स्ट चलना, पैरों से हम चलते हैं, ठीक है. आगे है लिखना, अब इसमें है हाथ के क्या लिखेंगे, लिखना हाथ से हम लिखते हैं. नेक्स्ट है सूंघना, ठीक है. नाक बना हुआ है नीचे देखो, ठीक है. नाक सूंघना, नाक से हम सूंघते हैं, ठीक है बच्चे. नाउ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.